Morning dear students, how are you? I hope you all fit and fine. This is your physics class. But before starting the work, let's take pledge against COVID-19. I, Ramandeep Kaur, commit to be a vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask or face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So now let's start with physics. In the previous video, we have done up to measurement of diameter of spherical body. In this video, we will continue from measurement of area. Area is a measurement of surface of an object. कि कोई ऑब्जेक्ट कितने सरफेस को कवर कर रहा है उसको हम एरिया बोलते हैं ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. सम बॉडीज हैव रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप्स एंड सम हैव इरेगुलर शेप्स. यू कैन सी ट्राइंगल, रेक्टेंगल एंड सर्कल, दीज आर बॉडीज ऑफ रेगुलर शेप्स. टू फाइंड द एरिया ऑफ रेगुलर शेप्स वी यूज सम मैथमेटिकल फॉर्मूला, जस्ट लाइक एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ इंटू हाइट इंटू बेस. हाइट को हम एच के साथ डोनेट करते हैं, बेस को बी के साथ, सो दैट्स वाई एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ इंटू एच इंटू बी. नेक्स्ट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ को एल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रेथ को बी के साथ, सो दैट्स वाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू एल इंटू बी. नेक्स्ट, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पाई इंटू रेडियस स्क्वायर. रेडियस को आर के साथ डोनेट करते हैं, दैट्स वाई एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर. देर आर सम चेक पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस फॉर्मूलाज, ट्राई टू डू दिस बाय योरसेल्फ. नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ मास. नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ मास. द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मास. कि मैटर ऑब्जेक्ट में कितना मैटर प्रेजेंट है उसको हम उस ऑब्जेक्ट का मास बोलते हैं. ठीक है, वी यूज़ द टर्म मास इन फिजिक्स बट जनरली वी यूज़ द वर्ड वेट टू एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट. व्हेन वी आस्क 1 kg वेट ऑफ वेजिटेबल्स फ्रॉम अ वेजिटेबल वेंडर, वी एक्चुअली बाय 1 kg मास ऑफ द वेजिटेबल. फिजिक्स में हम जो एक स्पेसिफिक वर्ड है दैट इज़ मास, लेकिन अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ करें तो उसे हम वेट यूज़ करते हैं. अगर हमने वेजिटेबल्स को ख़रीदा है, हम क्या बोलेंगे, हमने 1 kg वेट ऑफ वेजिटेबल्स को ख़रीदा है. बट एक्चुअल में क्या होता है, हमने 1 kg मास ऑफ वेजिटेबल्स को वहाँ से परचेज किया होता है. द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम. द कॉमन सबमल्टीपल यूनिट्स ऑफ मास आर ग्राम एंड मिलीग्राम. These units are used to measure small masses. So there are some multiples of kilograms are quintals and a metric ton. Heavy masses are measured in quintals and metric tons. Device used to measure mass. कि mass को measure करने के लिए कौन सी devices use करते हैं. First one is beam balance. A beam balance is the simplest instrument used to measure mass. In a beam balance, the mass of an object is measured by comparing it with standard masses called standard weight. Beam balance, जिसको हम तराजू भी बोलते हैं, एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट है टू मेजर मास. बीम बैलेंस में क्या होता है, हमने एक मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट को मेजर करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं विथ सम स्टैंडर्ड मासेस जिनको हम स्टैंडर्ड वेट बोलते हैं. यू कैन सी इन डायग्राम, दिस इज द डायग्राम ऑफ बीम बैलेंस. जिस भी ऑब्जेक्ट का हमें वेट करना हो उसे हम एक पैन में रख देते हैं और दूसरे पैन में से हम स्टैंडर्ड वेट्स को यूज़ करते हैं. जितना उस ऑब्जेक्ट का मास होगा उतने ही हम स्टैंडर्ड वेट यूज़ करेंगे. स्टैंडर्ड वेट्स को देख के हमें पता होगा कि उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है. नेक्स्ट इज स्प्रिंग बैलेंस. अ स्प्रिंग बैलेंस इज अनदर टाइप ऑफ वेइंग डिवाइस यूज टू मेजर मास. स्प्रिंग बैलेंस आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, एक्सटेंशन स्प्रिंग बैलेंस एंड कंप्रेशन स्प्रिंग बैलेंस.
These days, electronic weighing machines are used for accurate measurements. These are actually a modified version of compression spring balance. Here, the mass on a object is displayed directly on the LED display panel. You can see here. यहाँ पे LED पे इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन पे अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं जिसका हमें मास मेजर करना हो, वो हमें उसकी डिस्प्ले पे शो हो जाता है कि उसका मास कितना है. इन लैबोरेटरी एक्यूरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड देयरफॉर अ मॉडिफाइड एंड हाईली सेंसिटिव वर्जन ऑफ बीम बैलेंस इज यूज, जिसको हम फिजिकल बैलेंस भी बोलते हैं. लैबोरेटरी में हम फिजिकल बैलेंस को यूज़ करते हैं टू मेजर एक्यूरेट मास ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डेंसिटी. डेंसिटी क्या होती है कि एक ऑब्जेक्ट में कितना मास प्रेजेंट है इन यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, यूनिट वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है. द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम. मास पर यूनिट वॉल्यूम की एक मीटर क्यूब में कितना मास कंटेन है उस बॉडी में, हमें उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बोलते हैं. यूनिट ऑफ डेंसिटी. द डेंसिटी ऑफ बॉडी इज मेजर्ड इन केजी पर मीटर क्यूब और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. इफ द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस विच टेल्स अस वेदर द सब्सटेंस इज हैवियर और लाइटर देन एनी अदर सब्सटेंस. द डेंसिटी ऑफ गैसेज इज वेरी लो बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ गैस आर नॉट क्लोजली पैक्ड. The distance of gas particles can be easily changed by heating or cooling or by changing the pressure. Hence, density of a gas changes with change in temperature or pressure. एक गैस है जिसकी डेंसिटी वेरी करके विद चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर. सो देयर आर फ्यू क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन. ट्राई टू डू दिस बाय योरसेल्फ. नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ टाइम. टाइम की मेजरमेंट हम कैसे करते हैं. टाइम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लानिंग आर एक्टिविटीज. फॉर एग्जाम्पल टू ट्रैवल बाई बस और ट्रेन वी हैव टू रीच द स्टेशन ऑन टाइम. सिमिलरली यू हैव टू रीच स्कूल ऑन टाइम. यू ऑल्सो हैव टू नो द टाइम टू स्विच यूर रेडियो और टी वी सेट टू लिसन और टू वॉच फेवरेट प्रोग्राम्स. सो एक्चुअली टाइम इज द इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स. टाइम क्या है, दो इवेंट्स के बीच में जो इंटरवल है उसे हम टाइम बोलते हैं. वी मेजर टाइम विद द हेल्प ऑफ क्लॉक्स एंड वॉचेस नाउ डेज. बट इन अर्लियर डेज पीपल डिड नॉट हैव क्लॉक्स और वॉचेस. दे यूज्ड वेरियस इवेंट दैट अकर एट रेगुलर इंटरवल टू काउंट टाइम इंटरवल. वन सच इवेंट्स वाज अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट. एन अर्ली डिवाइस फॉर मेजरिंग टाइम वाज अ सनडियर. अ सनडियर कंसिस्ट ऑफ अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर बोर्ड विद अ ट्रायंगल पीस ऑफ मेटल फिक्स्ड वर्टिकली ऑन इट. यू कैन सी इन द डायग्राम. ये सनडायल है. सनडायल में क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर बोर्ड है जिस पे हमने एक ट्रायंगुलर प्लेट ऑफ मेटल फिक्स किया वर्टिकली ऑन इट. द प्लेट इज कैप्ट अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. द प्लेट कास्टेज इज शेडो ऑन द बोर्ड. द एज ऑफ शेडो फॉल एट डिफरेंट एंगल एट डिफरेंट टाइम ऑफ द डे. सो बाई पोजिशन ऑफ शेडो वॉज यूटिलाइज टू मार्क द टाइम ऑफ द डे. शेडो के थ्रू हम बता सकते हैं कि डे में कौन सा टाइम हुआ. ठीक है, सम हिस्टोरिकल सनडियल्स स्टिल एग्जिस्ट इन इंडिया. यू कैन सी थ्री सनडियल एट जंतर मंतर इन दिल्ली एंड जयपुर. These were bullied by Maharaja Jai Singh II of Jaipur. The time indicated by a sundial is fairly correct. However, these cannot be used after sunset. इसकी limitation क्या थी कि इसे sunset के बाद use नहीं कर सकते. Another earlier device for measuring the time was the hourglass or sand glass. In a sand glass, sand flow from one container to the another in a थ्रू अ स्मॉल होल कनेक्टिंग दैम. यू कैन सी इन द डायग्राम. यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो कंटेनर है, एक में से सैंड धीरे धीरे नीचे आ रहा है बाई अ कनेक्टिंग होल. इन अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम इंटायर सैंड इन द टॉप कंटेनर फ्लो डाउन टू द
कंटेनर एट द बॉटम। एक डेफिनेट टाइम ऑफ इंटरवल के बाद ये पूरा सैंड जो ऊपर वाले कंटेनर का है वो नीचे वाले कंटेनर में आ जाएगा। मॉडर्न क्लॉक्स एंड वॉचेस आल्सो मेजर टाइम विद हेल्प ऑफ इवेंट्स दैट रिपीट आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। द कॉमन एग्जांपल इज पेंडुलम क्लॉक। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या है? अ सिंपल पेंडुलम इज अ हैवी पॉइंट मास कॉल्ड द बॉब सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट विद द लाइट एंड इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। सिंपल पेंडुलम क्या है? एक हैवी पॉइंट मास है जिसे हम बॉब बोलते हैं, उसे सस्पेंड किया होता है विद द लाइट एंड इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ, उसको एक रिजिड बॉडी के साथ फिक्स किया होता है। When the bob is slightly pushed, it moves to and fro along with its mean position. जब हम इसको थोड़ी सी मूवमेंट देंगे ये to and fro motion अपना शो करेगा, ठीक है। One oscillation is said to be completed when bob moves from its mean position to both extreme ends and return back to mean position. You can see पहले ये O से लेके A तक जाएगा, फिर after that ये बी पे जाएगा, उसके बाद जब रिटर्न फिर से ये ओ पे आएगा तब इसे बोलेंगे कि इसने वन अपनी एक ऑसिलेशन को कंप्लीट कर लिया। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। वॉचेस एंड क्लॉक्स को हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है। वॉचेस कैन नॉट बी स्टॉप एंड स्टार्टेड अकॉर्डिंग टू योर विल, ठीक है। वो तो कंटिन्यूसली टाइम वेरी करता रहता है, ये हमारी डिज़ायर के अकॉर्डिंग नहीं होता, ठीक है। मैनी अ टाइम द टाइम टेकन फॉर सर्टन इवेंट्स इज नीडेड, कई इवेंट्स के लिए हमें एक फिक्स टाइम चाहिए, ठीक है। जस्ट लाइक द टाइम टेकन बाय एन एथलीट टू रन 500 मीटर्स, टू मेजर द टाइम टेकन बाय सच इवेंट्स सम स्पेशल वॉचेस आर यूज्ड, ठीक है। दीज कैन स्टार्टेड एंड स्टॉप एज पर आर नीड, ठीक है। वो जो हम वॉचेस यूज़ करते हैं वो हमारी डिज़ायर के अकॉर्डिंग स्टार्ट होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग स्टॉप होती हैं, एंड सच वॉचेज आर कॉल्ड स्टॉप वॉचेज। उसे क्या बोलते हैं हम? स्टॉप वॉचेज, ठीक है। जो हमारी डिज़ायर के अकॉर्डिंग स्टार्ट हो और हमारी डिज़ायर के अकॉर्डिंग स्टॉप हो जाए। देयर इज अ टेबल टाइम टेकन टू कंप्लीट सर्टेन इवेंट्स। आपको इवेंट्स दे रखे हैं, आपने उसका एस्टिमेट टाइम एंड एक्चुअल टाइम बताना है, ठीक है। Nowadays many clocks and watches do not have traditional hour, minute and second hands. These clocks display time directly in digits. Such clocks are called digital clocks. जिसके पास hour, minutes and second hands नहीं होती वो clock directly display पे time show कर देता है। Such clocks को हम क्या बोलते हैं? Digital clocks. Next unit of time. The international system of units, the standard unit of time all over the world is second. Second ही है standard unit time की all over the world. 1 minute equals to 60 seconds. 1 hour equals to 60 minutes and 1 day equals to 24 hours. To express still longer time interval, months and years are also used as units of time. For example, for your age, you use year and months. Suppose you are 10 years old, you don't say that you are 3,650 days old or 87,600 hour old. इसके लिए आप अगर आपने एज बतानी हो तो आप डेज और आवर्स में अपनी एज नहीं बताओगे, आप किस में बताओगे? ईयर्स में। सो दैट्स बाय टू रिप्रेजेंट, ठीक है, हमने लॉन्गर यूनिट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट यूनिट्स यूज़ करते हैं, मिनट्स सेकेंड एंड आवर्स का यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट्स ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की मेजरमेंट के बारे में हमने बताना है। द वर्ल्ड टेम्परेचर इज वेरी वेल नोन टू अस। टेम्परेचर टेल्स अबाउट द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टेम्परेचर हमें बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना हॉट है और कितना कोल्ड है। द टेम्परेचर रिप्रेजेंट द थर्मल कंडीशंस ऑफ द बॉडी। टेम्परेचर थर्मल कंडीशन बताता है कि बॉडी की, इसे हम डिफरेंट एक्टिविटी के थ्रू अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। देर आर डिफरेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर। फर्स्ट वन इज
सेल्सियस स्केल, सेकंड इज फारेनहाइट स्केल एंड थर्ड वन इज केल्विन स्केल. इन फारेनहाइट स्केल यू कैन सी इन दिस डायग्राम कंपैरिजन ऑफ सेल्सियस, केल्विन एंड फारेनहाइट स्केल ऑफ टेम्परेचर. ये फारेनहाइट स्केल है, ये केल्विन एंड दिस इज सेल्सियस स्केल. इन फारेनहाइट स्केल जीरो कॉरेस्पॉन्ड टू 32 डिग्री फारेनहाइट. इसकी जो जीरो है दैट मीन्स 32 डिग्री फारेनहाइट है. एंड 100 डिग्री सेल्सियस कॉरेस्पॉन्ड्स टू, अगर इसके हम 100 डिग्री सेल्सियस देखें तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है. इन केल्विन स्केल जीरो कॉरेस्पॉन्ड टू 273 केल्विन एंड 100 डिग्री सेल्सियस कॉरेस्पॉन्ड टू 373 केल्विन. If temperature of a body changes by 1 degree Celsius, then on Fahrenheit scale it will 1.8 degree Fahrenheit and on Kelvin scale it is 1 Kelvin. So, the SI unit of temperature is Kelvin and the Celsius scale is used for most commonly. We can easily convert one scale of temperature to the another one by using this formula. सेल्सियस को हम फारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं और फारेनहाइट को सेल्सियस में बाई यूजिंग द फॉर्मूला सी बाई फाइव इक्वल्स टू एफ माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9. एंड द सेकेंड फॉर्मूला सेल्सियस को हम केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय एडिंग डिग्री सेल्सियस प्लस 273. सो लेट अस लर्न टू मेजर द टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ अ थर्मोमीटर. फर्स्ट type of thermometer is laboratory thermometer. Laboratory thermometers are used to measure the temperature for scientific purpose. These have range from 10 degree Celsius to 110 degree Celsius. And clinical thermometer. A clinical thermometer is used to measure the temperature of a human body. It is very similar to laboratory thermometer. Expect there is a king which is just above the bulb. You can see जो clinical thermometer होता है उसमें एक यहाँ पे king होता है, ठीक है, near the bulb. It holds the mercury for a while. When the thermometer is taken from the person's mouth for reading, it ranges from 35 degree Celsius to 42 degree Celsius. जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होती है उसकी रेंज होती है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. अगर फारेनहाइट में देखा जाए तो 35 डिग्री सेल्सियस कॉरेस्पॉन्ड टू 95 डिग्री फारेनहाइट एंड 42 डिग्री सेल्सियस कॉरेस्पॉन्ड टू 108 डिग्री फारेनहाइट. मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर. मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर क्या होते हैं? There is a special thermometer which is used in weather records to know the maximum and minimum temperature on any day. This consists of a U tube having bulb A and B. ठीक है, at the ends A and B बल्ब होते हैं. The thermometer is filled with a mercury and alcohol. Thermometer में हमने mercury and alcohol को fill किया था. The bulb A is completely filled with alcohol, whereas bulb B is partially filled with alcohol. जो ए बल्ब है वो कम्प्लीटली फिल होता है विद एल्कोहल एंड जो बी वाला है वो पार्शल फिल होता है विद एल्कोहल. सो दिस इज ऑल अबाउट लेबॉरेटरी क्लिनिकल मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर. लास्ट टॉपिक इज एंश्योरिंग यूज ऑफ करेक्ट वेट्स एंड मेजर्स. द डिपार्टमेंट ऑफ वेट एंड मेजर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द करेक्टनेस ऑफ वेट्स एंड डिफरेंट मेजरिंग डिवाइसेज फॉर ऑल कमर्शियल पर्पज. ओनली अप्रूव्ड मीटर स्केल, बीम स्केल एंड वेट्स आर टू बी यूज. जो ऑलरेडी अप्रूव्ड होते हैं उन्हीं हम मीटर स्केल, बीम बैलेंस एंड वेट को यूज़ करते हैं. सो विद दिस योर चैप्टर इज कम्प्लीटेड. इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर देन वी विल डिस्कस इन योर ऑनलाइन क्लास. थैंक्स स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे.